निर्भर समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रहा है। यूपी की सियासत में इस सवाल की चर्चा तब से तेज हो गई है जब से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में ये बात लिखी है। पूरा मामला बताए उससे पहले वो वीडियो देखिए, जिसके वायरल होने के बाद अखिलेश ने ऐसा दावा किया है। अब हम आपको समझाते हैं पूरा मामला। दरअसल मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से एनडीए की तरफ से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। अरविंद राजभर के लिए प्रचार में सुभाषपा नेताओं के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मऊ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मऊ पहुंचे और अरविंद राजभर के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर को मंच पर दंडवत कराकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवाई। वीडियो में अरविंद राजभर से डिप्टी सीएम कह रहे हैं, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, मंच पर जाओ, झुको और माफी मांगो। अरविंद राजभर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद को पोस्ट करने से रोक नहीं पाए। उन्होंने अरविंद राजभर की माफी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, ये है भाजपा के प्रभुत्ववादी लोगों का अहंकार, जो अपने साथी दलों के नेता को दंडवत होकर माफी मांगने के लिए विवश कर रहा है। ये अपमान की पराकाष्ठा है। बीजेपी के संपूर्ण दल को इस कुकृत्य के लिए सामूहिक दंडवत क्षमा मांगनी चाहिए। भाजपा ने एक व्यक्ति का नहीं, उस पूरे समाज का अपमान किया है जिस समाज से वो आता है। राजभर समाज इस अपमान के विरोध में भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा की सामंती सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अरविंद राजभर खुद मीडिया के सामने आए और वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने इसे विपक्ष की मनगढ़ंत कहानी बताई है। जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं विपक्षियों के द्वारा तमाम मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं कि उनसे माफी मंगवाया गया, तमाम तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं ये निराधार है। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर यह कहना है कि वो हम अपने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद की कामना कर रहे थे और मैं आशीर्वाद ऐसे ही मांगता हूं। जब भी मैं कोई बड़ा कार्यक्रम करता हूं, मेरे पार्टी का व्यक्तिगत जब रैली होती है, तब भी मैं अपने समर्थक अपने कार्यकर्ताओं के सामने जब स्वागत करने के लिए जाता हूं, तो मैं उनसे झुक करके ही प्रणाम करता हूं। और जंग की शुरुआत हुई है घोसी लोकसभा में फतह करने का, तो आज डिप्टी सीएम साहब आए थे, संगठन के प्रभारी साहब आए थे, दोनों लोगों के सामने अपने अपने देवतुल कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा। अरविंद राजभर ने सीधे तौर पर इसे विपक्ष की साजिश बताया है। मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। अरविंद राजभर ने साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांग रहे थे, बल्कि आशीर्वाद की कामना कर रहे थे। फिलहाल अरविंद राजभर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।